न्यू बोलिया रे खूंटी के लटकाया बेरी ए रे मोड़ हो अरे बादल के संग में खाली के तोड़ हो गया हो राजपूत अल बेले रे चले राजपूत अल बेले लड़ने का घना चाव था रण वस्त्र धरे छिपा के बादल का अलग दाव था ही यवनों की मन मानी रड़िया रेत में न्याव भाव था एक शेर पिंजरे घिर गया सबके दिल बुरा गाव था भई न्याव करणिया भूप असुर की न्याव करणिया भूप असुर की सती बोली ही साथ लड़ेंगी ही रे सती बोली साथ लड़ेंगी दिल में आराम नहीं से बादल इनकार करे था मिट्टा छतरी जाम नहीं से हम जब तक जिंदा जग में ये थरा रण में काम नहीं से तै तकत बदल दुश्मन कारी मारा कम इंतजाम नहीं से मारा कम इंतजाम नहीं फिर 1400 महावीरों का फिर 1400 महावीरों का गठजोड़ हो साहस सवाया हरे वीरों का साहस सवाया दिल में श्री राम मना के दिल्ली के पास पहुंच के बैठे डोले रुकवा के वहां आई हुई पद्मनी अरे न्यू कही भूप ते जाके एक लहर खुशी की जागी खिलजी चाल्या मुस्का के फिर बादल ते बदड़ा के बात का बादल ते बदड़ा के बात का ये तोड़ हो गया
डोले चलते चलते दिल्ली पहुंच गए और बादल ने डोलों को दिल्ली से बाहर रुकवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी को खबर भेज दी गई कि बादशाह सलामत रानी पद्मावती का डोला आ चुका है। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी खुश होकर के चलता है, डोलों के पास पहुंचता है, बादल वहीं रोक देता है कि बादशाह सलामत वहीं रुक जाइए, रानी पद्मावती से आपकी शादी जब होगी, जब पहले राणा भीम सिंह को लाइए, उसकी छाती पर अपनी चूड़ी फोड़ेगी रानी पद्मावती और उसके बाद आपके साथ शादी हो सकती है। किस तरह से अंतिम और लास्ट कली के माध्यम से के लिखा कही बादल ने समझ के रे, कही बादल ने समझ के, जब नई प्रीत जोड़ेगी जो रस्म रिवाज पुराने ये हर की जना छोड़ेगी, निज बालम की छाती पे पहले चूड़ी फोड़ेगी, फिर फेंके चीर कुए मेरे तेरे पुरखे ने ओढ़ेगी। और कहे जय करण राम धर्म का, कहे जय